हेलो पीपल, इट्स मीशान। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अपकमिंग मूवी जिसका नाम है जुग जुग जियो। ये कॉमेडी ड्रामा है एंड इट्स स्टारिंग अ लॉट ऑफ पीपल। अनिल कपूर, नीतू सिंह, वरुण धवन, कियारा आडवाणी, मनीष पॉल, टिस्का चोपड़ा, काफ़ी लोग हैं इस मूवी में। एंड दिस इज अ कॉमेडी ड्रामा, सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मूवी की क्या स्टोरी है, क्या है, आई डोंट नो। इसका एक पोस्टर देखा था मैंने एंड अब इसका ट्रेलर आ गया है। आई नो दैट दिस इज डायरेक्टेड बाय राज मेहता, बट इसके अलावा आई डोंट नो एब्सोल्युटली नथिंग। द स्टार कास्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन वरुण धवन, कियारा आडवाणी एंड यू नो ऑल द अदर्स। आई वॉन्ट टू सी कि क्या ये लेके आने वाले हैं। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। सो जुग जुग जियो ऑफिशियल ट्रेलर, हियर वी गो। तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। वो धर्म मूवी है। ओके प्रीति की शादी के लिए घर जाएंगे। उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। पापा अपने बच्चे की डिवोर्स के बारे में सुनने के लिए जोन में होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना। कहाँ हुआ? शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे भैया, मुंह से निवाला छीन ले, तू बात क्या बात कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा होता है? घर वाली। क्यों? क्योंकि उसे बार बार बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ। मेरा मैं एक दूसरे से, तू समझ रहा है ना? हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए। अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है। अब पापा जी बड़े हो गए। अनिल कपूर इसका स्ट्रेस कर दिया। पापा जी की प्रॉब्लम क्या है? मतलब पापा जी ठरकी हो गए, ठरकी कुकु ठरकी। तेरे और नैना के बीच में सब ठीक है ना बेटा? अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना तो अपने पापा से ले लेना। पुराने खिलाड़ी है, अच्छी सलाह देंगे। रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस। डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं तो? इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा। मैं अभी से कह सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट मंथ। मैं अभी से कह सकता हूँ अनिल कपूर इज गोइंग टू बी द स्टार ऑफ दिस मूवी। नॉट वरुण धवन, नॉट एनीवन, बट अनिल कपूर। ही इज लाइक एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस रोल। ये जो कैरेक्टर है, इसके लिए अनिल कपूर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ही इज गोइंग टू आउटशाइन एवरीवन। दिस इज फनी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं कहने वाला था, जैसे वो शुरू हुई, म्यूजिक नंबर सब शुरू हुआ, तो इट स्टार्टेड गिविंग मी यू नो गुड न्यूज वाली वाइब्स एकदम से। एंड ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम द सेम डायरेक्टर, इट इज गोइंग टू बी गुड न्यूज। मुझे बहुत पसंद आई थी। इट वॉज वेरी फनी, इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव स्टोरी, और इट वॉज इमोशनल ऑल्सो एट वेरी टाइम्स। एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी इमोशनल एज वेल। काफी ऐसे सीक्वेंसेस थे ट्रेलर में जिसमें पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा यू नो इमोशनली भी हिट करेगी आपको। लेकिन कॉमेडी ड्रामा, दिस इज गोइंग टू बी रियली कूल यार। तो वो पहले डिसाइड कर चुके हैं दैट जो उनके बेटे हैं, जो उनका बेटा है वरुण धवन और कियारा, उनकी उनकी बहू, वो आपस में ऑलरेडी डाइवोर्स करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज यंगर ब्रदर हु इज मनीष पॉल, उसकी शादी की वजह से देर लाइक कि हम किसी को बताएंगे नहीं। बट वहां जाके पता चलता है कि अनिल कपूर भी डाइवोर्स करना चाहते हैं बिकॉज ही ऑलरेडी हैव अ गर्लफ्रेंड विच इज टिस्का चोपड़ा। And man, what the hell? उसने बताया नहीं है अपनी वाइफ को अभी तक। बट जस्ट लुक एट द सिनेरियो, द सिनेरियो इज
एपिक मैन, एपिक. आई मीन जो वो लास्ट सीन था जिसमें वो बता रही है डाइवोर्स करना चाह रहे हैं और वो एकदम घर होता नहीं तो कौन तो बताते ही हो. एंड लुक एट दैट वरुण धवन फेस जब उसकी माँ ये बोल रही थी पापा तुमने फादर को गुस्से में देख रहा है ऐसे, दैट सीन वॉज एपिक एपिक. क्योंकि ही नोज कि ये इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगा ये डाइवोर्स करना चाहते हैं उसकी बात हो रही है. मैन दिस इज गोइंग टू बी एन एंटरटेनर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग. गुड न्यूज जिस लेवल की एंटरटेनिंग थी ना, यू लव्ड, यू क्राइड, यू डांस्ड ऑन द सॉन्ग्स, सो वैसी होने वाला ये. इसमें गाने लुक्स नाइस, वरुण धवन भी ठीक लग रहा है इसमें. आई मीन दिस रोल में वरुण धवन की बहुत ज्यादा एक वो यू नो ओवर एक्टिंग वाली एक वाइब आती है वरुण धवन की हमेशा. एंड आई थिंक इसमें वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें उसकी थोड़ी सी नीड है. लाइक जस्ट इमेजिन हाउ लाउड you know, and all over the place was Akshay Kumar and Diljit Dosanjh and Good News. Same goes with this one. Isme Varun Dhawan actually suit kar raha hai. Manish Paul is epic, man. Chahe wo comedy circus ho, chahe wo show host karna ho, chahe wo movie ho, Manish Paul shines in everything. He's really epic. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मनीष पॉल का एक YouTube चैनल है, उस पर ही यू नो वो इंटरव्यूज वगैरह करता है, पॉडकास्ट भी होता है उसमें, आप यू नो वीडियो पे भी देख सकते हैं. सो उसमें एक इंटरव्यू मैंने रिसेंटली देखा था, कृष्णा का इंटरव्यू था, कृष्णा अभिषेक, और इट वॉज अ लॉन्ग वन, एक घंटे से कुछ ज्यादा इंटरव्यू था. बट मैन व्हाट अ वॉच इफ यू हैव नॉट सीन इट. और अगर आप जानते हैं कृष्णा को या उसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. या अगर आप नहीं भी जानते, नहीं भी सुनना चाहते हैं, उसे सुनना. मैंने वो सुबह सुबह देखा था एंड मैन इट रियली हिट मी राइट हियर. That's really nice. Very amazing interview. Do watch it. And the whole vibe of this movie is really great. And Neetu Singh is a fabulous actress. And in this role, just the way she was shown, a responsible mom. But at the same time, I'm also trying to predict कि होने क्या वाला है इसमें, एग्जैक्टली ऐसा क्या होगा, विल दे एक्चुअली रिकनसाइल. मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में होगा कि यू नो आपस में सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, अनिल कपूर नीतू सिंह के भी रिजॉल्व हो जाएंगे और वरुण धवन और कियारा के भी रिजॉल्व हो जाएंगे. बट एट द सेम टाइम दैट साउंड्स यू नो वेरी क्लीशे कि मतलब हाँ ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ शुरू हुआ एंड में सब कुछ ठीक हो गया, वो ऐसा क्लीशे सा लग रहा है. सो आई एम नॉट रियली श्योर कि वो एक्चुअली एंडिंग ऐसी होगी कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, या ऐसा होगा कि यू नो इट इज व्हाट इट इज एंड यू हैव टू डील विद योर प्रॉब्लम्स एंड देन दे आर सेपरेटेड एंड हैप्पी इंडिविजुअली. Not really sure because the cinema is also evolving, right? वो एकदम good happy ending वाला वो हिसाब किताब नहीं रहता है. So I'm not really sure, but I know this. What I'm sure about is this is going to be a badass entertainer. बहुत मजा आने वाला है इस movie में, and definitely gonna watch it next month. So that's it, guys. आप मुझे बताइए what are your thoughts? What do you guys think about this one? मेरे लिए अनिल कपूर is the man. He is going to shine in this movie. He is the star of the movie. That's for sure. बट आप मुझे बताइए, यू गाइस एग्री विद मी, डिसएग्री विद मी, जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. ये वीडियो का पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को. अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को. इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. आई हैव अ सेकंड चैनल विच इज अ गेमिंग चैनल. अभी मैं खेल रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर ऑन प्लेस्टेशन 5 विद फेस कैम, सो आप मुझे भी देखेंगे वो गेम खेलते हुए. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोस काइंड ऑफ यू नो वॉक थ्रूज गेम प्ले वीडियोस, तो उस चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. दैट चैनल रियली नीड योर सपोर्ट, सो डू चेक इट आउट वंस. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. आई विल सी यू गाइस सून एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.